मेरे पति को दारू और तंबाकू छुटती नहीं, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। मेरे पति शक भी करते हैं, सहयोग भी नहीं करते। मेरी लड़की की शादी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं। पहले तो आप पति को चक्कर में डालो ना, वो शक कैसे करता है। पति को पटाने कोई बड़ी चीज थोड़ी है। औरत और पति निकल जाए, मंजाले हिल जाए। औरत चतुर होनी चाहिए, समझदार, बेवकूफ नहीं होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए। जो समझदार औरत होगी पति को चंगुल में रख ले, ध्यान रखना। मैं बहुत सारी को जानता हूँ ऐसी जो अच्छी बहने हमारी, वो पति को चंगुल में रखती है, हंसा हंसा के मारे साले, हंसा हंसा उसकी नस देख ले में कि ये कहाँ झुकता है, उसी नस को दबा में ऐसा नहीं। अरे उसके चक्र का नस देख लो, कौन सा चक्र बोल रहा है, किससे बकवास कर रहा है, उसे ही दबाओ, वही चीज खिलाओ जिससे वो खुश होता, खुश होते कुंडली उठेगी, अगले दिन पैर पकड़ लेगा, देवी जो कहो वही मंजू। ये बात भी मुझे बतानी पड़े, वर्षी माधव नहीं बताई। मैं स्पीच लगाता कर क्या, टाइम ही ऐसा है, एक तो समय कम है। नहीं, मैं आपके काम तो मां से ही खुलवाता, एक एक काम ऐसा खुल जाता है कि छेद करने की जरूरत नहीं, सुई सीधी जाती। हाँ, क्योंकि माँ जिस तरह बोलती है ऐसा बोलती है कि या तो छोड़ के भाग जाएगा सहजोग या पक जाएगा। अब वो इस भी सुनाता नहीं को, क्योंकि सेंटर पे सबको, मेरे सेंटर पे ज्यादा लोग, मेरे सेंटर पे भीड़ इकट्ठी कम, और हमें भीड़ कम करनी है। हाँ, जब खिंचाई करती थी तो अच्छे अच्छे आंसू गिरने लगते थे माँ भी, माँ जैसे खींचती थी अगले टाइम तो पीछे बैठता था लीडर चुप, फिर माँ बुला लेती चलो काम तो करवाना।